गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार बनते ही बिजली के दाम घटा देंगे, लेकिन जब उनकी सरकार आई तो दाम घटने की जगह उल्टा बढ़ गए। ये सिर्फ झूठे वादे कर सकते हैं, इनके वादे वादे ही रह जाएंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस के युवराज मुस्लिम लीग की अमेरिका में प्रशंसा करते हैं और भारत में कांग्रेस भगवा को आतंक बता रही है। अब इनकी सोच किस हद तक नीचे गिर गई है ये देखिए। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा, कांग्रेस के युवराज जिस अमेरिका में बैठे ये बयान दे रहे हैं, उस अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के लोकतंत्र की तारीफ की है, अब उनकी राय को कांग्रेस को सुनना चाहिए। वहीं गृह मंत्री ने कांग्रेस के वादों को लेकर कहा कि राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कहा था कि 2 लाख तक का कर्ज किसानों का माफ किया जाएगा और ऐसा नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, लेकिन एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। इन्होंने गरीब किसान नौजवान सभी को धोखा दिया है। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि जनता ने सालों से शिवराज को ही अपना मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया है और आगे भी करेगी। जाके प्रशंसा करते हैं मुस्लिम लीग की और इनकी पार्टी हिंदुस्तान में भगवा को आतंकवाद बताती है। अब ये इन दोनों की सोच देख लें आप, और अमेरिका के जो हमारे राय है हमारे बारे में, वो अमेरिका की राय भी देख लें, जिनने कहा था कि भारत का लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ है, सबसे मजबूत है। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो दिल्ली में जाके देख लें। जिस अमेरिका पे वो आलोचना कर रहे हैं, उस अमेरिका की राय को राहुल गांधी जी सुनो। गाना था ना पुराना, आपने सुना होगा, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। कांग्रेस के लिए ये कर्नाटक में ये कांग्रेस जो बिजली माफी की बातें करती थी और बिजली के बिल बढ़ा दिए, इससे ज्यादा देश की जनता को समझने के लिए कोई बात हो नहीं सकती और इससे ज्यादा निंदा की कोई बात नहीं हो सकती। लगातार जनता को धोखा देना, किसान को धोखा देना, नौजवान को धोखा देना, आप कल्पना करें। मध्य प्रदेश में यही बात राहुल गांधी जी कह गए थे, 2 लाख का 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। ना 2 लाख रुपए माफ हुए, ना मुख्यमंत्री बदला। यही स्थिति नौजवान के बेरोजगारी भत्ते की थी, यही कन्यादान के विवाह की। यह भी कहा था कि अपने लिखित में जो इनके घोषणा पत्र था उसमें स्पष्ट रूप से वचन पत्र में डीजल पेट्रोल की कीमत कम करने का कहा और नहीं करा। ये सब चिंता और निंदा की चीजें होती जा रही हैं देश की जनता के साथ में। जनता ने तो शिवराज जी को पिछले 20 साल से तय करके रखा है। जनता के मतों में कांग्रेस 20 साल में हमसे आगे नहीं निकली। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस से ज्यादा वोट शिवराज सिंह जी के आए थे, भारतीय जनता पार्टी के आए थे। वहीं गृह मंत्री मिश्रा ने दमोह स्कूल घटना को लेकर बोला कि धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर सरकार सख्त है, इस प्रकार की सोच रखने वालों को नेस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। दमोह स्कूल केस में पुलिस को जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। पीएफआई से संबंध या टेरर फंडिंग की जानकारी मिलने पर भी कार्रवाई की जाएगी। पहले दिन ही इसके जांच के आदेश दे दिए थे। हम 4 दिन से लगातार प्रमाण एकत्रित कर रहे थे, बयान भी ले रहे थे, बच्चियों के बयान भी हो गए। इस तरह की जो मानसिकता है, इसको मध्य प्रदेश में पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। मैंने पुलिस को निर्देश दिए कि प्रथम दृष्टया जो जानकारी आई है उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई आज पुलिस करेगी। उसमें जो भारत के नक्शे में छेड़छाड़ का आया है, उसके भी मैंने आज जांच के आदेश दे दिए। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।